भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का यहां के आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसको लेकर राहत की कोरोना जांच रिपोर्ट आई, इसमें 95 कोरोना रोगियों की दोबारा जांच करने पर 88 केस की रिपोर्ट निगेटिव मिली। खुशी देने वाली यह खबर यहां के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। अब यहां से 24 घंटे के अंतराल पर लिए गए इन रोगियों का सैंपल जांच के लिए भिजवाया गया है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि ऐसे मरीज जिनकी दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन के साथ रखा जाएगा। साथ ही यहां के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमितों की जाँच शुरू हो गई है। कोरोना से पॉजिटिव मरीज भरतपुर जिले में पाए गए हैं। इन 110 में से दो महिलाओं की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के कारण डेथ भी हो चुकी है और ये दोनों मृत्यु SMS में हुई थी और हमें बाद में सूचना दी गई। इसमें पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी बात यही है कि जिन 95 मरीजों का इलाज जिला अस्पताल भरतपुर में शुरू किया गया था, यहाँ के डॉक्टर्स की टीम दिन रात कार्य कर रही है। सबकी मेहनत से लगभग 80 से भी अधिक मरीजों की जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो इलाज के पश्चात नेगेटिव हो चुकी है। अब 24 घंटे के अंतराल पे जो उनकी दूसरी रिपोर्ट ली गई है, सैंपल लिया गया है, वो जब नेगेटिव आएगा तो अब उसके बाद हम इनको एक क्वारंटीन के लिए जगह कर रखी है, उस पर हम आइसोलेशन में पूरा अगले 14 दिन के लिए ध्यान रखेंगे।